होती है और जब तक वो गाय उसे दूध देती है तब तक वो उसे अच्छी लगती है, अपने घर में पालता है, रखता है। पर जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है, जब उसके हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, तो सिर्फ 5,000 रुपए के लोभ में वो किसान उसे गौ माता को हंसते हंसते बेच देता है। और आइए इस भजन के द्वारा गौ माता कैसे क्या अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, कैसे क्या भजन करो। खोल जे विड़ा सौंप दिया, हो जब गौ माता टकराई, हेर टप टप आंसू ऊपर से थे जब माता अपनी पीड़ा में कहने लगी क्या, हरे हर रक्षक ही भक्त ही शक बने बैठा, हर रक्षक ही भक्त शक बने बैठा, गौ पालने वाला बेली काटती खुटा ते और नड़ से विड़ा डाल्या, 5,000 रुपए के लोभ में कुछ ना देखा पहड़ा, फिर कसाई ते पकड़ा दी पेट का पड़ा जब लेके चला कसाई रहो लेके चला कसाई। आँखों में आँसू भर के बाह चारों ओर लखावती, कोई मुझको छुड़वा दे बेचारी अस लगावती, देख के अपने बछड़ा बछिया बुरी तरह टकरावती, पाड़ के खुट्टा बछड़ा आ गया जब छाती फटी जावती हालत देखकर गौ माता के छोटे बच्चे जिन्हें हम बछड़ा बछिया बोलते हैं,
उनकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं और कैसे क्या अपनी माँ से प्रेम मिलाप करते हैं आखिरी क्या बता? पीछे ते पछड़ा आ गया भाई पीछे ते पछड़ा आ गया पछिया ने खुटा पाड़ दिया फिर बेदर्दी मालिक ने हो लठ चोर का मार दिया कैया रंबा अति रहगी वो करके पितर बाड़ दिया फिर देख के गौ माता वो करके पितरी पाड़ दिया रे करके पितर बाड़िया झटका मार छूट गई यार झटका मार छूट गई यार पछड़े तोर आई जब जब यसू पर से थे जब लेके चला कसाई रहो लेके चला कसाई कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हिंदू धर्म में हमारी पूजा नहीं है क्योंकि आज इंसान इतना लालची हो चुका है कि वो अपनी माँ की पूजा ना करे तो मेरी पूजा वो कहां से करेगा। तो आखिरी बात में गौ माता ने बड़े ही दर्द वाली बात की क्या बता जा पछड़े बेटा मत रोवे मेरे पछड़े बेटा अभी उच्च ख्याल रहे कोन्या माँ कह करके पूजा करते बे बोझाल रहे कोन्या बेटा माने कटवा दे अब वे नंदलाल रहे कोन्या कौन टेर सुन ले मार गिर सन नंदलाल रहे जय हो। बोलिए गौ